हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इन्फिनिक्स हॉट 9 तो आपको पता है लॉन्च होने वाला है, उसके साथ ही इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो भी लॉन्च होगा। इसमें आपको जो है 6.6 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, HD प्लस ही डिस्प्ले होने वाली है, जिसमें आपको जो है यह देखने को मिल जाएगा IPS डिस्प्ले। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको पीछे क्वाड कैमरा मिलेगा, जिसमें प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके बाद आपको जो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक जो है आपको लो लाइट सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा। पीछे 4 है, फ्रंट में जो है 8 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलने वाला है। कैमरे के मामले में अच्छा खासा मोबाइल है। अब बात कर लूँ इसके बैटरी की, तो दोस्तों बैटरी यहाँ पे आपको मिलेगी 5000 mAh की दमदार बड़ी बैटरी मिलने वाली है। अब उसको चार्ज करने के लिए बताया जा रहा है 18 वाट का फास्ट चार्जर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल सकता है। भले ही ये टाइप सी ना हो, लेकिन फास्ट चार्जर की सुविधा देखने को मिल सकती है, ये खबरें आ रही हैं। प्रोसेसर की बात करूँ तो दोस्तों बताया जा रहा है यहाँ पर आपको जो है प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है MediaTek का G70 वाला प्रोसेसर। अब ऐसी भी खबरें आ रही कि 825 हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है G70 देंगे, क्योंकि ये थोड़ा प्रो वर्जन होगा तो इसमें प्रोसेसर चेंज करना ही पड़ेगा। अगर वही प्रोसेसर रखेंगे तो काम नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ इसके आधे पीछे की, तो पीछे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, पीछे आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है दोस्तों एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाएगा, एक्सोस 6 देखने को मिल जाएगा। कलर भी इसका अच्छा खासा है। अब मैं बात कर लूँ इसके प्राइस की, तो दोस्तों ये जो प्राइस होने वाली है इसकी, वो होगी 10,000 रुपये, जिसमें आपको 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज देखने को मिलेगा, और ये आपको G70 के प्रोसेसर के साथ आ जाएगा। अब दोस्तों आपको ऐसा क्या कहना है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इन्फिनिक्स के मोबाइल लेते हैं या नहीं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए।